नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ सी एस के और आरसीबी के बीच फर्स्ट मुकाबले की हाइलाइट्स में। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच रहने वाला है, पहले ही आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा क्योंकि ये पहला ही मुकाबला आईपीएल का। चलिए बात करते हैं टॉस की। तो बेंगलुरु बुल्स और माफ़ करके बेंगलुरु आरसीबी और सीएसके के बीच ये मैच है। प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है। टॉस जीत लिया है आरसीबी के कप्तान ने, उन्होंने पहले जो है यहाँ पर बॉलिंग का फैसला किया है। तो फटाफट दोस्तों हम गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं इस समय पे चेन्नई की तरफ से आने वाले उनके धाकर गेंदबाज की। चलिए दोस्तों यहाँ पर पहली बॉल आती हुई इस मैच की फैफ डुप्लेसिस स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। विराट कोहली यहाँ पर फिलहाल के लिए नॉन स्ट्राइकर इन पर मौजूद रहने वाले हैं। फर्स्ट बॉल यहाँ पर आती हुई और डुप्लेसिस ने खेल दिया है फिलहाल के लिए, सीधा फील्डर के हाथों में एक अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत जिसे आप कह सकते हो है। और ऐसे ही शुरुआत की ज़रूरत है, अगर टीम यहां पर चाहती इस मैच को जीतना तो उन्हें ऐसे ही शुरुआत दिखानी पड़ेगी। फिलहाल यहां पर नो बॉल आता हुआ, काफ़ी तेज़ गति की गेंद फेंकने की कोशिश और ये आप देख सकते हैं हुटर बच चुका है, नो बॉल हो गया है फिलहाल। देखते हैं यहां पर क्या अगले ओवर में कुछ और कारनामा हमें देखने को मिलेगा। बहुत लाजवाब ये अगली बॉल आती हुई, फिलहाल के लिए बैकफुट पर से खेल दिया है सिंगल के लिए। फ्री हिट था, यहाँ पर रन्स तो आने चाहिए थे लेकिन बड़ा शॉट खेलना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज ऐसा लग रहा है, और यही रीज़न है कि फिलहाल के लिए रन सिर्फ 2 रन है 2 गेंदों के बाद। और जैसे मैंने कहा बड़ा शॉट नहीं आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, और ऐसे में अनुज रावत ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर और चौका लगा दिया। तो फर्स्ट बाउंड्री आ चुकी है इस मैच की और इस बाउंड्री के साथ स्कोर दोस्तों हो जाएगा 6 रन। 6 रन हो चला है इस स्कोर फिलहाल के लिए। चलिए अगली गेंद यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे अनुज रावत। ड्वेन ब्रावो की गेंद है, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता दूं ड्वेन ब्रावो संन्यास ले चुके हैं और फिलहाल के लिए जो बॉलिंग कोच खेल रहे हैं, खेल तो नहीं रहे लेकिन जो बॉलिंग कोच जो है अपनी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए दिख रहे हैं इस सीज़न में चेन्नई की तरफ से। ये शॉर्ट बॉल है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट बॉल का जो है रिस्पेक्ट दिया है बल्लेबाज कप्तान फैफ डुप्लेसिस ने, और दे भी क्यों ना, क्योंकि यार सामने जो गेंदबाज है ना वो उतनी ही रिस्पेक्ट जो है वो चाहता है जितनी आप किसी और बल्लेबाज या फिर गेंदबाज को करते हैं। फिलहाल चौके के साथ ओवर की समाप्ति हो जाएगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रह गया 11 रन और 11 रन फिलहाल अगले ओवर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आए हैं रविंद्र जाडेजा इस पहले मैच में गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं जाडेजा आखिर क्या कर पाएंगे आज के दिन पे। पहली बॉल जाडेजा की स्ट्राइक के ऊपर अनुज रावत, पहली गेंद सिंगल ले लिया है अनुज रावत ने, 12 रन हो जाएगा स्कोर। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है अगर आप देखें रविंद्र जाडेजा के नज़रिए से तो, और यकीनन आप लोग को पता है कि रविंद्र जाडेजा कैसे गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट आता हुआ फैफ डुप्लेसिस के बल्ले से, पीछे कोई फील्डर है नहीं, चौका मिल जाएगा आसानी से। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर के हो चला है फिलहाल 16 रन आरसीबी और सीएसके बीच इस पहले मुकाबले में। अभी भी दोस्तों कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ पर से भी अच्छी गेंदबाजी की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही गंदा शॉट बल्लेबाज द्वारा, अगर इस गेंद के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं तो आसानी से जो है वो वाइड हो सकती थी। फिलहाल के लिए एक परफेक्ट से टॉप एज लगा, गेंद चल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, चौका मिल जाएगा। इस ओवर का दूसरा चौका है ये, रन धीरे धीरे बढ़ते स्टार्ट हो चले हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी स्कोर अगर मैं बताऊँ आपको तो हो चला है 20 रन। अंतिम गेंद पर एक बड़ा शॉट फिर से आता हुआ, एक और चौका, बैक टू बैक चौके हमें देखने को मिलते हुए इस मैच में 3 चौका इस ओवर से आ चुका है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जाडेजा अच्छी गेंदबाजी करेंगे लेकिन यहां पर जाडेजा अपने फिरकी के जाल में
फंसा नहीं पाए बल्लेबाज को। अंतिम गेंद ओवर की, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पहला इन दोस्तों हो चुका है समाप्त। चलिए दोस्तों, सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती हुई मिस धोनी आए हैं बल्लेबाजी करने, और बल्लेबाजी करने आए भी क्यों नहीं, क्योंकि रन्स चाहिए बहुत ज़्यादा और टीम को उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की ज़रूरत है, और महेंद्र सिंह देदनाथन धोनी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और आते ही पहली गेंद पर छक्का लगा दिया धोनी ने। इसे कहते हैं दोस्तों कैप्टन्स पारी। यहाँ पर कैप्टन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत अच्छी है आप कह सकते हो शॉट महेंद्र धोनी के बल्ले से, और बहुत अच्छी शुरुआत दी है उन्होंने। 25 रन चाहिए थे, 6 रन पहले ही गेंद पर आ चला है। देखते हैं आगे चलकर और क्या हमें देखने को मिलेगा। एक और छक्का आता हुआ, ये तो फुल शॉट है, और इस फुल शॉट पे महेंद्र सिंह धोनी को मिल जाएगा एक और 6 रन। छक्के के साथ स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए 12 रन 2 गेंदों के बाद। बहुत अच्छी ये बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। अगली गेंद एक बार फिर से बल्लेबाजी करने को रहेंगे तैयार महेंद्र देदनाथन धोनी, और ये कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की। एक और छक्का आता हुआ, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस मैच को फिनिश कर ही दिया था। फिलहाल यहाँ पर 18 बना दिए हैं धोनी ने इस मुकाबले में अभी तक। चलिए 5 रनों की और ज़रूरत है, देखते हैं क्या ऐसा करने में सफल रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये एक बहुत अच्छा शॉट खेला है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है तो कोई भी रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। दोस्तों 7 रनों की और ज़रूरत है चेन्नई की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। देखते हैं चेन्नई की तरफ से, और ये बोल्ड हो गए हैं धोनी। ये एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दोस्तों, यहाँ पर डेविड विली ने बोल्ड कर दिया है महेंद्र सिंह देदनाथन धोनी को, जिन्होंने अपने छक्के से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। ये बहुत बड़ा झटका लग रहा है। चलिए अब बल्लेबाजी करने आए हैं अंबती राइड, जो कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, अंडररेटेड। हर्षल पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों में 7 रनों की ज़रूरत है यहाँ पर चेन्नई की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। क्या जीतने में सफल रहेगी टीम? ये एक अच्छा शॉट लगाया है, पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, 2 रन की कॉल की है। क्या दूसरा लेने में सफल रहेंगे? जी हाँ, और रन आउट हो गए हैं दोस्तों। एक और झटका लगता हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं रन आउट इस मैच में। ये बिल्कुल भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ हो चुके हैं आउट, विकेट गिरता हुआ। अब दोस्तों आए हैं शिवम दुबे, जो कि सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में शामिल है। 6 रन चाहिए दोस्तों यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक के ऊपर, बहुत बढ़िया शॉट लगाया है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा यहाँ पर ऋतुराज के बाद। अब आए हैं शिवम दुबे, मैच और इंटेंस होता हुआ। 4 गेंदे और 5 रनों की ज़रूरत है यहाँ पर फिलहाल के लिए। क्या शिवम दुबे इस मैच में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? रन लेने की कॉल की है, रिस्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने नकारा, बाल बाल बचे। अब दोस्तों 4 रनों की ज़रूरत है, 3 गेंदों का खेल रह गया है। यह मैच बहुत इंटेंस हो चला है दोस्तों, मतलब मैं क्या ही कहूँ इस मैच के बारे में। और ये डॉट बॉल, अब मुकाबला फंसता हुआ। 2 गेंदों में 4 रन किया यहाँ पर ऋतुराज, कुछ कमाल दिखा पाएंगे? ये बहुत ही लाजवाब मैच हो रहा है। एक और डॉट बॉल आता हुआ, अब ये दोस्तों अंतिम गेंद ओवर की, सिर्फ 1 गेंद का खेल रह गया। 4 रन चाहिए, CSK इस मैच को जीत सकती है। क्या CSK इस मैच को जीत पाएगी दोस्तों? इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। फिलहाल के लिए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को डॉट करा दिया है, और इस तरीके से इस मुकाबले को बेंगलोर की टीम ने जीत लिया है 3 रनों से। एक बहुत ही हाई स्कोरिंग ये गेम तो नहीं था, यहाँ पर धोनी ने पूरी कोशिश की थी
टीम को यहाँ पर जिताया और आप देख सकते हो 3 रन से ये फाइनली स्कोर कार्ड। मुकाबला समाप्त हुआ, दोनों ही टीमों ने इस मैच को एक बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया और इस तरीके से इस मैच की समाप्ति होती हुई। यकीनन आपको ये मुकाबला दोस्तों पसंद आया होगा, चेन्नई बनाम बेंगलोर के बीच ये मुकाबला था।